फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है हिमालयन 450 के बीच। अब जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हिमालयन 450, और मैं थोड़ा सा गोप्रो को लगा लेता हूँ हेलमेट पे, क्योंकि वॉइस का थोड़ा सा इशू आएगा। मैं हाईवे पर हूँ और अभी दिख रहा हूँ। तो गाइस, अभी आ चुके हैं अपने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, और इससे मैं दिखाऊंगा क्योंकि आवाज़ थोड़ी क्लियर आ जाएगी। अब ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये हिमालयन 450 है, और ये अभी हमारे एक फ्रेंड ने ली है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा, मैं आया था दिल्ली से दरभंगा, जो हमारे सलमान बिहारी मोटर ब्लॉगर हैं, उन्हें ये बाइक परचेज की है। तो मैं इसके फ्यूचर थोड़ा सा, एक्चुअली मैं फ्यूचर के बारे में बात नहीं करना हुआ, लेकिन मैंने अगर मोटर ब्लॉगर है और एक एडवेंचर बंदा करना चाहता है, तो इसमें क्या क्या चीज़ सही है और क्या क्या चीज़ थोड़ी जो है मिस फील होती है कि इसमें नहीं है, और क्या क्या चीज़ होनी चाहिए थी तो और बहुत अच्छा होता। जैसे कि हिमालयन ने ये बहुत काफ़ी दिनों के बाद वेट करा के कुछ अलग लॉन्च किया है, जिससे कि पिछली बाइक आपने देखा था हिमालयन, पुराने वाली जो हिमालयन है उसमें कुछ कमियां थी, लेकिन इसमें कुछ अलग ही मशीन बना के तैयार की है, और ये है फाइनली उसका रिजल्ट। एक तो सबसे मैंने इसका प्राइस सेगमेंट, अगर आप इसको देखेंगे इसका प्राइस सेगमेंट में, तो इस प्राइस सेगमेंट में इतनी पावरफुल गाड़ी नहीं मिलती। इसका जो टोक है वो 40 BHP है, और काफ़ी वेट फ्रेंडली भी है, ज़्यादा इतनी हैवी भी नहीं है, और हाइट, सीट हाइट का इसमें सिस्टम दिखाया है। इसकी सीट थोड़ी डाउन भी हो जाती है, और इसमें एयर कूल्ड इंजन दिया गया हिमालयन के, मतलब रॉयल इनफील्ड ने किसी बाइक में सबसे पहली बार एयर कूल्ड वो दिया है। अगला टायर देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, इसका नंबर है 9021 का ये इसका अगला टायर है, और पिछला टायर थोड़ा इसका छोटा दिया है, इसका नंबर है 140/80/17, जो नॉर्मल बाइकों को होता था, बाकी काफ़ी चौड़ाई है, और बाकी देखने में भी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ों में इसमें थोड़ी सी कमी कर दी है। और डिजिटल मीटर तो काफ़ी फ्यूचर लोड कर रखे है इसमें डिजिटल मीटर में भी, जैसा कि और पहले कभी ऐसी बाइकों में नहीं था इस सेगमेंट वाली में। तो ये इसका मीटर है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा मीटर है। और जो कुछ है देखो, कुछ मिस्टेक भी की है, जैसा कि देखा जाए ये शीशा, मेरे हिसाब से अगर जैसा ऑफ रोडिंग बाइक है, इतनी बड़ी बाइक है थोड़ा सा, और जब मैंने ये चलाई है तो शीशे में बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता पीछे, थोड़ा बहुत ही, इससे थोड़ा सा और अच्छा सुधार कर सकते हैं। और बाकी देखने में काफ़ी अच्छी बाइक है, पावरफुल है, मैंने चला के भी देखा तो बहुत अच्छा इसका बोला। कुछ अगर इसमें देखा जाऊँ तो हिमालयन ने कुछ कंजूसी की है, जिससे कि इसको प्राइस फ्रेंडली बनाया जा सके। जैसा कि ये क्रैश गार्ड है, आप देख सकते हैं, सिर्फ टंकी के लिए क्रैश गार्ड दिया है, बाकी गाड़ी का नीचे से कोई भी क्रैश गार्ड यहाँ पे नहीं दिया, अलग से लगाने का सिस्टम है। और आप जैसे कि जानते हो कि रॉयल इनफील्ड के हर पार्ट बहुत ही कॉस्टली होते हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा लोड कराएँगे सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से, यहाँ भी आपके इसके गार्ड वार्ड लगेंगे तो बहुत ही कॉस्टली हुए आते हैं। थोड़ा सा यहाँ का क्रैश गार्ड थोड़ा मजबूत देना चाहिए था। और टंकी की बात करें तो टंकी इसमें दी गई है 17 लीटर की, जो माइलेज इसका देखो, अभी तो कोई क्लियर कह नहीं सकता, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि तकरीबन 20 का ये एवरेज दे सकती है, और बाकी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो यही था, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं।